अस्सलाम वालेकुम, विलेज फूड सीजन में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मामा गफ्फार मेरे साथ हैं और मामा गफ्फार के पास आया हूं मैं यहां पे। तो मामा गफ्फार, क्या हाल है आपके, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मामा, कबूतर कैसे चल रहे हैं आपके पास? ये कबूतर आपने रखे हुए कौन से नस्ल के हैं, हमारे दोस्तों को ज़रा बता दें इनके बारे में। ये चार नस्ल के हैं। अच्छा, आपके पास चार नस्ल के कबूतर हैं, कौन कौन से नस्ल के हैं? पेंसी वाली नस्ल है, ये जो बच्चा है नी, काला वाला। अच्छा, काला, ये जो उसके पैर में बाल हैं, ये अच्छा। पेंसी नस्ल है ये जो बच्चा। अच्छा, ये बेटा हुआ, ये पेंसी नस्ल का है। हाँ, उसका माँ वो बेटा हुआ है अंडों में, नीचे वाले काने पे। अच्छा, ये नीचे वाला बेटा हुआ जो आखिरी है, इसको हम लोग कलचीरा बोलते हैं। अच्छा, इसको कलचीरा कहते हैं, किनारे वाले में ये वाला। हाँ, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कलचीरा नस्ल का है। अच्छा, अभी ये इसके नीचे भी अंडे हैं। जी हाँ, तो अंडे पे अभी तक बैठे हुए, लेकिन ये बच्चे कितने महीने में बच्चे निकलते हैं इसके? बस 20 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, डेढ़ महीने में बच्चा तैयार होता है, 15। अच्छा, डेढ़ महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। ये पेंसी नस्ल है, ये जो बच्चा है ना पेंसी है। अच्छा, इसको फैंसी नस्ल कहते हैं। मैंने बाप इसका, ये काला वाला। अच्छा, ये इसका अब्बा है, ये काला वाला, ये वालिद है इसका भाई, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का इसका बाप है। और ये मामा कह रहे हैं वो जो माँ इसका है ना, काबली है। अच्छा, ये इसकी माँ है, काबली है, ये काबली के नस्ल का है। जी हाँ, वो जो बाप है पट्टी वाला है। अच्छा, वो पट्टी वाला उसको कहलाते हैं। जी हाँ। अच्छा मामा, ये कितना खर्चा आता है इसके ऊपर दिन में? ये जो तकरीबन महीने में तकरीबन 3500-4000 लगभग दाना देता हूँ मैं, यानी 3500 रुपया इसके ऊपर खर्चा आता है। जी हाँ। अच्छा, ये मामा इसने बच्चे दिए हैं, ये कितने दिन के बाद आए हैं बच्चे? ये बच्चे 20 दिन के बाद आए। अच्छा, कबूतर अंडा देने के बाद 20 दिन के बाद बच्चे निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये मकवा का जूरी है। अच्छा, इसको मकवा कहते हैं। जी हाँ। तो इसके कितने बच्चे आए हैं अभी? दो दो। इसके दो बच्चे आए? जी हाँ, देखो दोनों दो बच्चे, इसके बाप ही है। अच्छा, ये कौन से नस्ल का है? ये भी मकवा है। अच्छा, ये पूरी जो फैमिली मकवा की है। अच्छा, वो पेंसी नस्ल का बताया था आपने, इसका बाप ही है। ये बाप है इसका वाला। अच्छा, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ मैं, रोशनी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये ब्लैक कलर का है और इसको फैंसी कलर नस्ल का कह रहे हैं। तो ये इसका बच्चा है, फैंसी है, ये फैंसी है। तो वो कलचीरा आपने बताया था, और ये कौन सा है मामा? ये कौन सा, वो ये वाला, ये बिल्कुल नीचे है, ये भी है पट्टी वाला, मादी है। अच्छा, ये मादी है। और इसके नर, ये जो सामने है ना, पुराना लकवा था एकदम। अच्छा, तो इसको मैंने दवाई मवाई दी था, सही हो गया। अच्छा, इसको आपने दवाई दी है और ये सही हो गया। ये काबली है। अच्छा, ये काबली नस्ल का मादी, इसका पट्टी वाला है। ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये पुराना लकवा था इसका। अच्छा, इसको पुराने लकवा था। हाँ, लकवा था बहुत, तो हमने दवाई मवाई कर सही हो गया। अच्छा, एक कबूतर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसको भी लकवा है। ये कौन से नस्ल का बताया आपने? ये पट्टी वाला है। ये पट्टी वाला बच्चा, इसी का बच्चा ही है। अच्छा, ये कहाँ, ये यानी पाकिस्तान में होते हैं कहीं और भी होते हैं? पाकिस्तान में होते हैं। अभी ये काबली का निज़ाम ख़त्म हो गया सिस्टम, ये पट्टी वाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा मामा, इसका जोड़ा है कितने का मिलेगा अगर मार्केट से बंदा ले? ये तकरीबन नहीं होगा, 1500-2000 लगभग होगा। अच्छा, 1500-2000। जी, सारे एक ही नस्ल के सारे यही रेट हैं या मुख्तलिफ रेट हैं? मुख्तलिफ रेट है, कोई 5000 वाले होते हैं। अच्छा, कोई 10000 होते हैं, उसके जो अभी नस्ल, जैसा नस्ल है वैसे पैसे। अच्छा, जैसे नस्ल होगा वैसे पैसे होंगे। अच्छा जी, ये दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, ये मामा कौन से नस्ल के हैं? ये है पट्टी वाला दोनों। अच्छा, ये दोनों पट्टी वाला है। जी हाँ। तो पट्टी वाला इसको क्यों कहते हैं? ये पट्टी वाला मिक्स किया नहीं, मादा काबली था। अच्छा, और ये गोला जो टुकली में होते हैं ना, गोला। अच्छा, गोला का साथ इसका कट्टे को मादा, ये और नर वही होगा। अच्छा, जो उसको पट्टी वाला कहते हैं। ये सब बहुत उड़ान पे नहीं जाते है। हाँ। ये नीचे नीचे उड़ान करते हैं। अच्छा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ऊंचाई पे नहीं जाते, ये करीब उड़ान करके जो निकल जाते हैं। दोस्तों, एक कबूतर मामा के पास है जिसको लकवा है। तो हाँ, ये इसको मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, तो इसका गर्दन जो है बिल्कुल मुड़ा हुआ है। तो मामा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो अभी काफ़ी सही हो गया। हाँ, इसको दवाई मवाई हम दे रहे हैं, सही हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, इसको जो पुराना लको उड़ान वाला है ना, इसको दवाई में देता हूँ, इसके पट्टा निकालता हूँ, पट्टा उड़ान में तोड़ता हूँ। अच्छा, इसके यानी अभी बच्चे नहीं हैं इनके? नहीं नहीं, अभी इसको जोड़ नहीं लगता, अभी जोड़, फिर जब तक सेट हो जाएगा फिर इसका जोड़ में लगाऊंगा। अच्छा, ये कितना यानी टाइम लगता है इसको जोड़ लगाने में? ये जोड़ तो एक ही रात में लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अलग से रखे हुए हैं ताकि जोड़ लगे इनका? ये बच्चे, इनके सारे बच्चे। अच्छा, ये उनके बच्चे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी उनके बच्चे हैं। मामा आपके पास कितने कबूतर थे जब आपने ये काम स्टार्ट किया? तो मेरे पास तो पहले 5-6 दाने थे। अच्छा, 5-6। हाँ, फिर बाहर से भी आए, कुछ मैंने उतारा है। अच्छा, कबूतर उतारते भी हैं? कैसे उतारते हैं? बस अभी नया कबूतर आता है, इसको मैं खोलता हूँ, वो ये इसको थोड़ा हो उड़ाता हूँ, वो देखते हैं नीचे आते हैं, फिर बंद करता हूँ। अच्छा। 7 दिन में किसी जगह देखते हैं, फिर कैंच करूँगा, पर निकालूंगा, जोड़ बच्चा का लग जाए फिर नहीं जाएगा, मेरा पर काट दिया। अच्छा, इसके पर काट देते हैं? नहीं, पर निकालते हैं। अच्छा, पर कैसे काटते हैं? पर कैंचिन के साथ मैं हाथ से निकालता हूँ। अच्छा, थोड़ा निकाल के जरा हमें दिखा देंगे? अभी जो पर वाले है सारे उड़ान के इसको करेंगे, फिर नहीं उठते। अच्छा, ये नहीं उड़ेंगे? जी, यानी जो बाहर से आएगा उसको आप क्यों, अगर मैं उसको नहीं कंज कर दूँ ना, वो तो नीचे मैं इधर छोड़ दूँ बाहर। अच्छा मामा, ये कबूतर नज़र आ रहा है, ये कौन से नस्ल का है? कसूरी है। अच्छा, इसको कसूरी कहते हैं। अच्छा मामा, इसके बारे में आप बता रहे थे, इसके क्या है? ये इसका नस्ल होता है कसूरी नस्ल का है, ये कम नस्ल होता है एक दाना। अच्छा, कम नस्ल इसको ये मैंने उतारा है। अच्छा, बहुत यानी ये कलर आपने खुद कराया है या ये पहले से लगा हुआ है? अच्छा, ये पहले से लगा हुआ है, यानी जिसके पास था ये कबूतर। अच्छा, ये कबूतर जिसके पास था पहले, मामा ने जब उतारा है तो इसको कलर यही लगा हुआ था। अच्छा, तो मामा इसकी खूबी क्या है, आप बता सकते हैं इस कबूतर के बारे में? इसकी खूबी है कसूरी, वैसे वो इसको कसूरी बोलते हैं, सही है। अभी अभी नया शौकीन है, अभी इसको ये तीन नस्लों में शुमार है। एक लटरी रहा, सही है, एक तुम्हारा कसूरी, ये एक पकीर गोल्ड में भी लगता है, पकीर गोल्ड नस्ल भी होता है ना कबूतरों में। अच्छा, ये सब तीनों नस्ल का, अगर इसका बाप कसूरी था, माँ पकीर गोल्ड था, ये पर क्यों नस्ल जब होता है ये नस्ल क्रॉस आता है। तो मामा, ये कोने पर ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये कौन से नस्ल का है? ये काबुली है, इसको काबली कहते हैं। जी, ये वही पुराना लकवा था ना मेरे पास, उसी के बच्चे हैं। अच्छा, उसके बच्चे हैं। जी, तो यहाँ पे आपने अलग रखे हुए, आप बता रहे हैं कि इनको जोड़ लगेगा, ये जोड़ एक ही दिन में लग जाता है? ये भी तो पट्टा ही पिला लिए, महीना करीब खाएगा अभी तक भी, वैसे है तैयार, मैंने अभी इनको आज नहीं लगा, बोला पहले थोड़ा खाए पिए, टकरा हो जाओ, बड़ा हो जाओ। अच्छा, फिर मैं लगाऊंगा। सही, तो अभी बच्चे हैं पट्टे ना, इसको बाहर में निकालूंगा, अपनी जगह देखेंगे, फिर मैं उड़ा इसको जोड़ लगाऊंगा। अच्छा मामा, इनको यानी दिन में आपको बता रहे थे कि 3,000 रुपये का महीने का खर्चा आ जाता है इसके ऊपर, दाने के ऊपर, तो यानी आप अगर बेचेंगे तो 5,000 का जोड़ा बिकेगा? 3,500 वैसे पार्टी लगा हुआ, मैं नहीं दे रहा, कोई मेरा शौक का है। अच्छा, लगा लोग बोलते हैं दे दे। मामा कितने साल से काम कर रहे हो आप? कितने साल से? तकरीबन जब मैं बच्चा था। अच्छा, छोटे थे जब, जब से ये शौक है? उस टाइम पे हमारे टाइम पे था 10 रुपया 5 रुपये कबूतर था। अच्छा, अच्छे नस्ल वाले। अभी तो एक दाना वैसे भी खराब नस्ल होगा, फिर भी तकरीबन 15-20 रुपया था, अब तो एक न एक तो 500, 450, 300 का हो रहा है, यानी अब महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए। अच्छा, जब आपने शौक पाला था उस टाइम 10 रुपया जोड़ा था? 3-4 रुपया था। अच्छा, 3 रुपया जोड़ा था? जी हाँ। क्या दाने का था? अच्छा, एक दाने के 3, यानी 10 रुपया जोड़ा समझो, अच्छे नस्ल का है। अच्छा, एक में इसमें फकीर गोल के नाम से मैंने सुना था। हाँ, ये फकीर गोल, ये सामने जो मैं आपको बोला हूँ ना, ये जो है नहीं सामने वाइट कलर का, ये वाला नहीं, नहीं वो कलर लगा हुआ है। अच्छा, ये फकीर गोल है? ये करार फकीर गोल है। इसका बाप फकीर गोल था या माँ फकीर गोल था? अच्छा, या इसका बाप का फकीर गोल था या तो इसका मेरा पास नहीं था, मैंने तो। अच्छा, बहुत से कबूतर ऐसे भी आते हैं कि जिनके टांगों के ऊपर बाल होते हैं, वो उनको फैंसी बोलते हैं। अच्छा, वो फैंसी नस्ल का जो अभी हम ब्लैक पीछे देख के आए हैं, वो फैंसी नस्ल का है? बहुत महंगे, 10,000 वाले भी हैं, 5,000 वाले भी हैं। 5,000 और 10,000 तक के इसका जोड़ा है? अच्छा, तो उसकी खसूसियत क्या है? बस इंसान शौक होता है कि वो इतना, जैसा एक फैंसी होता है उड़ान होता है, एक उसकी शौपीस होता है, एक शौपीस होता है, एक उड़ान जैसे लक्का कपूर होता है, उसी हिसाब से। अच्छा, एक गोला भी आता है इसमें? गोला भी आते हैं। तो गोला क्या करता है वो? गोला इतने गोला टुकड़ियों में उड़ाते हैं ना। अच्छा, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ाते हैं? नहीं नहीं। मामा, आपके पास सुना है तोते भी हैं, तो तोतों का, तोतों के बारे में कौन सी नस्लें हैं आपके पास, हमें बता देंगे? जी हाँ, मेरे पास 2-3 नस्लें हैं। अच्छा, चलो तोता दिखा देते हैं आप दोस्तों को। तोता भी है मामा के पास, छोटे छोटे जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं वो मामा के पास मौजूद हैं। तो चलते हैं, मामा के तोते भी देखते हैं,
किस नस्ल के मामा के पास हैं, तो उनके बारे में मालूमात भी लेते हैं मामा से। तो दोस्तों हम आ गए मामा के तोतों के पास। मामा बहुत शुक्रिया, आपने तोते भी हमें दिखा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मामा इंशाल्लाह इनकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे लेंगे और इनके बारे में आपसे मालूमात भी लेंगे। तो बहुत शुक्रिया मामा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ भी मुलाकात होगी।